और सबसे आगे जा रही थी और फायर ने उसे खींचा और लगती है फायर और वाटर आगे बढ़ते हुए और उनके जीतने के चांस एक बराबर है। केसी माफ करना, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। केसी क्या तुम मुझे सुन सकती हो? इडियट, अब ठीक है। ए, हटो, मैं जाऊंगा, हटो यहाँ से। अरे हटो, ए, नहीं, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। एलिमेंट्स के लिए हुए खेल का फर्स्ट स्टेज खत्म हो चुका है और क्रिश लास्ट आया है, उसे कोई प्राइज नहीं दिया जाएगा, वो हार गया है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हमने उन्हें डरा दिया इवा, सही सबक सिखाया। तुम अमेजिंग, मैं भी अमेजिंग। हाँ हम अच्छा खेले, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इस टूर्नामेंट में पहुंच गए। ये दुनिया का सबसे फेमस टूर्नामेंट है। तुम और मैं स्टार बनेंगे। हम इसे जीतने वाली पहली लड़कियां होंगे। हाँ ये लोग गलत तरीके से खेलते हैं। क्रिस ने तुम्हें जला दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। ओ चलो, फिर भी वो लास्ट आया, मुझे लगता है वो एक्सीडेंट था। जरूर एक एक्सीडेंट। देखो जैक ने पोस्ट किया और शेकी बगारी की वो टूर्नामेंट में धोखा देने वाला था और उसने हमें बेवकूफ कहा। भूल जाओ, वो सिर्फ मजाक कर रहा है। तुम परेशान क्यों रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? तुम चैलेंज से बाहर हो सकती थी। हद है केसी, बहुत हो गया। क्रिस ने मुझसे माफी मांगी और जैक ने भी कुछ गलत नहीं किया। ऐसा करना कोई नियमों के खिलाफ नहीं है। या फिर तुम उसकी पावर से जलती हो? हाँ तुम मूर्ख हो केसी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्दी समझ आएगा। तुम और रो सकती हो। अरे तुम्हारा ऐसा करने से मुझे नफरत है। दर्द होता है। पागल हो क्या तुम? तुम्हारे पत्थर वाली परेशानी है। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हारे पर ईंट इसलिए फेंका था क्योंकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। पागल हो तुम, हमेशा की तरह तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे क्या, छोड़ दो। क्या मुझे किसी पर हमला करना चाहिए था? वो एक लड़की है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, लड़की के लिए ईमान भूल गए हो। पता है हम किस लिए खेल रहे थे? पैसे के लिए, पैसे के लिए। अमीर बनना ही हमारा लक्ष्य था। तुम हमेशा पैसों की बात करते हो। इसीलिए तो हमें एक प्लान बनाना होगा। तुमने सब खराब कर दिया, तुम ही ठीक करोगे। ठीक है, तू सही कह रहा है, हमें लड़कियों को जीतने नहीं देना चाहिए था। वो अच्छी है लेकिन पैसा ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा रुपया। ये जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तो इसे ठीक भी तुम ही करोगे। करो इसे ठीक फिर। ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। मुझे ये पता लगाना है कि अगली चुनौती है क्या। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैंने सब गड़बड़ कर दी है, हमारे जीतने का कोई रास्ता नहीं है। मैं सिर्फ एक लूजर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वाटर और एयर ने मुझे चकमा दे दिया है। अबे सुन, ये कौन है? तुम क्या चाहते हो? टूर्नामेंट के लिए चालबाजियों में इंटरेस्टेड हो? मेरे पास धोखा देने के लिए काफी सारे गैजेट हैं। ट्राई करना चाहोगे? जादुई तावीज, ये दुश्मन के हर हमले से हमें बचाता है। या फिर ये जादुई घड़ी, इसे ऐसे हिलाने का और टाइम धीमा पड़ जाएगा। सच कहूं तो ये बकवास है। और वैसे तुम कौन हो, जरा कुछ बताओ अपने बारे में। वो तो पूछने वाले पर डिपेंड करता है। मैं क्रिस हूँ, टूर्नामेंट पार्टिसिपेंट हूँ और मुझे हर कीमत पर जीतना है। मैं नेट हूँ, मैं कभी खुद भी पार्टिसिपेंट हुआ करता था और फिर बस मैंने अपनी सारी ताकत टूर्नामेंट के दौरान ही खो दी। जरा सोचो। वाह तुम आदमी तो बढ़िया लग रहे हो, लेकिन क्या तुम
टूर्नामेंट के बारे में जानते हो? तुम शर्त लगा लो, जब टूर्नामेंट बनाया गया था मैं पहले से ही सभी शर्तों को जानता था। मैंने ऐसी चुनौतियों के ऐसे दबा दिए, मेरे पापा ने ही ये टूर्नामेंट बनाया था। ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम मुझे सभी चैलेंज के बारे में बता सकते हो कि मैं जीत सकता हूँ कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम मेरी मदद करोगे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तो न्याय चाहिए। मैं कभी जीत नहीं पाया, लेकिन तुम जीत सकते हो। सौदा पक्का? फिर तो डील हुई। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो अंदर आ जाना। हाँ, एक चिड़िया। कहाँ? हेलो जक, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, हम बनेंगे चैंपियन। बढ़िया, क्रिस ने सब कुछ सॉल्व कर दिया, अब हम रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ हो धोखेबाज, हमें बताओ कि तुमने टूर्नामेंट के नियमों को तोड़ने की कोशिश कैसे की? क्या बात है धोखेबाज? हेलो, क्या तुम यहाँ हो? तुम ऐसे ही चुप रहने वाले हो, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये लो, ये तुम्हारे लिए। वाह, मेरे लिए? ओह, मैं पूछना चाहती थी, मैं क्या पूछना चाहती थी? खैर छोड़ो, अब मुझे जाना होगा। हाँ? अरे मुझे क्या हो गया? मैं ये पता करने आई थी कि उन्होंने धोखा कैसे दिया। मैं मूर्ख की तरह खिलखिलाती रही। मैं बेवकूफ हूँ। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कितना पागल हूँ? वो मेरी अपोनेंट है और मैं उसे फूल बांट रहा हूँ। क्या बकवास है ये सब? तो क्या तुम्हें पता चला कि अग्नि चुनौती क्या है? मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। तो ये है हमारी अगली चुनौती। इन पिंजरों में क्या है? मेरे जैसे जॉयस्टिक। शायद किसी ने तो तुम्हारा कुछ खास कीमती चुरा लिया है। क्या? सॉरी, ये मेरी जॉयस्टिक है और मैं ये नहीं कर सकता, मेरा प्यार मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये ही तुम्हारी चुनौती है, तुम्हारी सुपर पावर की मदद से आइटम को बाहर निकालना है। अरे ऐसा है क्या? और मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? अब मैं गेम नहीं खेल पाऊंगा, क्या होगा मेरा यार? तुम ये कर सकते हो, बस आज रात के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी ताला तोड़ने की। एक शाम और कल में तुम प्रोफेशनल हो जाओगे इस काम में। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं जैक को आज ही सब कुछ बता दूंगा और कल हम जीत जाएंगे। ठीक है, मैं जैक को अभी बताऊंगा और एक प्लान बनाऊंगा कि हम आगे कैसे बढ़े। यही सही रहेगा। अरे कैसी, क्या मैं उसे बता दूं? क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? शायद मुझे उसे बताना चाहिए, जैसे अरे कैसी तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैंने चुनौती में तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफी है, मत कहो कि वो अच्छी है वरना वो सोचेगी कि मैं लूजर हूँ। मैं लूजर नहीं हूँ, है ना? बेशक मैं लूजर नहीं हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं तो बस मच्छरों को भगा रहा था। कौन से मच्छर? यहाँ कभी मच्छर नहीं होते। ठीक है, आ जाओ। तो मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? खैर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मैं अब तुम्हें कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो जल्दी, मुझे क्या बताना है? तुम कुछ अजीब हरकत कर रहे हो। तो बस बात ये है कि डीना ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा कि सिंडी ने एरियल से कहा कि अडोनी ने कहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उनसे बात भी नहीं करती। बात ये है, किसी ने से बताने के लिए कहा है। यानी कि पहली चुनौती पिंजरा खोलना है, क्या करूं? क्या? तुम ये कैसे जानते हो? क्या तुम चुनौतियों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हो? अरे नहीं,
टीना ने मुझे बताने के लिए कहा कि आग कसम से उसी ने ऐसा कहा है। शायद तुम खुद मुझे ये बताना चाहते हो लेकिन तुम इसे मानने में शर्माते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हें चुनौती में अपना पावर से पिंजरा खोलना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या तुम्हारे? वाह, मुझे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे दोस्तों ने इसे तुम तक पहुँचाया है। खैर मैं अब जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। चलो फिर। बाय। हद है, उन्होंने मेरी लिपस्टिक चुरा ली, वो मेरी फेवरेट थी। मेरा सारा सोना ले लिया, मैं इसे कॉलेज की फीस के लिए जमा कर रहा था। तुम तो लकी हो, जो अपना सोना दो ना। वो मेरी दादी का पेंडेंट है बेवकूफ। ये आगे बढ़ो, तुम बेस्ट हो। पार्टिसिपेंट्स को अपने जादू का इस्तेमाल करके उस पिंजरे में से अपने फेवरेट आइटम को निकालना होगा। हद है, उम्मीद है मैं अपनी जॉयस्टिक नहीं चलाऊंगा। शुरू करते हैं इस जंग को। बकवास है, मैंने तो इसकी पूरी तैयारी की थी, ये क्या हो रहा है? मेरा मतलब है कि पावर यूज करने की तैयारी करी थी। हाँ, ये बहुत आसान था। वाह केसी, तुम कमाल हो। ओ नौ सीखियो, देखो अब सीखो। सभी का हो गया, बस मैं ही हूँ जिसका नहीं हुआ। आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। अरे मैं भी ये नहीं कर सकती। ईवा टेंशन मत लो और देखो मैं कैसे करता हूँ, और तुम भी वैसे ही करो। तुम्हें देखकर मेरा ध्यान भटक गया और मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी। क्या तुम ठीक हो? तुम घबराए हुए लग रहे हो। मेरी लिपस्टिक। दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन। रुक जाओ, अभी तक मेरा नहीं हुआ है। तो प्रतियोगिता खत्म होती है। बकवास है, मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही है? देख जो मैंने वादा किया था मैंने वैसे ही किया, अब तेरी गलती है ये सब। तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरा सोना मुझे नहीं मिला। तुमने सब कुछ खराब कर दिया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये लो। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम मुझे जाने दो यार। लड़कियां चुनौती के लिए तैयार कैसे थी, किसने बताया उन्हें ये? तुम क्यों चिल्ला रहे हो साइको? मुझे कैसे पता होगा कि कैसी को चुनौती के बारे में किसने बताया? मेरा मतलब है कि बस मुझे अकेला छोड़ दो। तुम साले धोखेबाज, निकल जाओ। तुमने कैसी को सब बता कैसे दिया? अरे वो एक अच्छी इंसान है, मैं उसकी मदद करना चाहता था बस। तुम साले शैतान, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तुम इसी लायक हो धोखेबाज कहीं के। तुम भी तो लेकिन कम नहीं हो, तुम हार गए क्योंकि तुम्हारा ध्यान ईवा में लगा हुआ था। वो मेरी नहीं है, समझे बेवकूफ? और क्या, यही वजह है कि वहाँ तुम बेवकूफों की तरह खड़े होकर आगे चिपका रहे थे और वो तुम्हारी तितलियाँ वो कहाँ गई? बहुत हो चुका, अपने काम से काम रखो। अब तुम अब से मेरे दोस्त नहीं हो। तुम भी मेरे दोस्त नहीं हो, चल अब निकल भाग यहाँ से। केसी, तुम्हें कैसे पता चला कि चुनौती में क्या होने वाला है? सच बताओ। क्रिस आया था और बोला कि टीना ने उसे कहा कि किसी ने कुछ कहा कि मुझे याद नहीं।
मूर्ख, उसने तुमसे झूठ बोला, वो तुम पर फिदा है और कहने से डरता है कि वो खुद तुम्हारी मदद करना चाहता है। जी ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। समझी, तुम इतने घबराए क्यों हो? मैं तो बस गेस कर रही थी, शायद तुम उस पर फिदा हो। क्रिस सिर्फ मदद करना चाहता था, इसमें गलत क्या है? तुम मुझे डरा रही हो, मजे करो। केसी सुनो, उससे प्यार के बारे में सोचना भी मत। वो आग है, तुम पानी, तुम्हारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ हाँ, और तुम्हारे और जैक में बहुत कुछ कॉमन है ना? मैंने देखा तुम एक दूसरे को कैसे देख रहे थे। जैक बस एक बेवकूफ है, ध्यान मत दो। लेकिन तुम और क्रिस मुझे पागल कर रहे हो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। साइको, मेरे और जैक के साथ क्या गलत है? मुझे लगता है एयर और अर्थ एक बढ़िया जोड़ी है। मुझे अपने पास फिर से सुखाने हैं। जैक सबसे बेस्ट है, जैक सबसे बेस्ट है, जैक सबसे बेस्ट है, जैक सबसे बेस्ट है, जैक सबसे बेस्ट है। उसका जवाब आ चुका है। उसके लिए ये गाने कब तक गाने पड़ेंगे? हो चुका। वो हमेशा शिकायत करता है और हमें उसे दिलासा देना पड़ता है। लेकिन मुझे ये पसंद है दोस्तों, चलो गाते रहो। सब कुछ कितना बुरा है मेरे साथ। क्रिस ही सबका जिम्मेदार है। ईवा, इतने उदास क्यों हो? कुछ हुआ क्या? मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगी। मेरा क्रिस के साथ झगड़ा हो गया और मैंने उससे दोस्ती तोड़ ली। मेरी भी किसी से लड़ाई हो गई। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता, सॉरी। आखिरी चुनौती होने वाली है, भूल भुलैया। अरे वाह, हम इन सब में से होके जाना होगा क्या? भूल भुलैया के अंत में मौजूद है एक ट्रॉफी, जो उसे पहले चुएगा वही विनर होगा। तो यार कि तू मेरे फर्स्ट आने में मदद करेगा है ना? तो फिर ये है भूल भुलैया का वो नक्शा। अगर तुम इस नक्शे के हिसाब से चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू नेट, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, जैक की तरह नहीं। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया यार। प्रतियोगिता का आरंभ होता है अभी से। फाइनल ट्रॉफी जीतने के लिए कौन सा एलिमेंट तैयार हो रहा है? आप सभी हमारे साथ। डर लग रहा है, मैं इस चुनौती के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं भी बिल्कुल नहीं। मैं तैयार हूँ, चलो उन्हें हरा दे। प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस टूर्नामेंट को जीत ही लूंगा यार। अच्छी बात है कि मैं बाकियों से अलग हो गया। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उम्मीद है कि मैं भूल भुलैया में कोई मुश्किलें नहीं है। अरे नहीं, मुझे मकड़ियों से डर लगता है। मैं कहाँ हूँ? नेट के नक्शे के हिसाब से मैं सही जगह पर हूँ, लेकिन ट्रॉफी कहाँ है? तो फिर खेल खत्म हुआ मेरे दोस्त, तुम फंस चुके हो। क्या दोस्तों, मजाक कर रहे हो ना? ट्रॉफी यही कहीं छिपी हुई है ना, सही है ना? बिल्कुल भी नहीं गधे की तुम। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए फंसाया ताकि मैं तुम्हारी शक्तियाँ छीन सकूँ। तो अब मेरी बारी है बनने की फायर लॉर्ड। अपनी शक्तियों के बिना मुझे हराने की कोशिश तो करो। मैं कहाँ हूँ? मुझे मुझे डर लग रहा है, मुझे क्रिस को ढूंढना होगा। केसी, केसी, तुम कहाँ हो? ईवा, लेकिन मुझे क्रिस के पास जाना है। केसी,
सॉरी इवा, अरे नहीं, ये क्या है और क्या गलत हो सकता है? मुझे आग से गुजर कर उसके पास पहुंचना है। ओह, मैंने कर दिया। क्रिस, तुम कहाँ हो? मैं फंस गई, मेरी मदद करो। जैक, प्लीज मुझे बचाओ। इवा, तुम हिलना मत, मैं अभी तुम्हें आजाद कर देता हूँ। शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। चलो एक साथ कब ढूंढते हैं, हम एक साथ विनर बन सकते हैं। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। क्रिस और केसी फर्स्ट नहीं आने चाहिए। वो कहाँ है? ईवा, तुम्हारी पावर तो कमाल की है। मैं वादा करता हूँ, अगर हम जीत गए तो हम दोनों डेट पर चलेंगे। अरे, हम हार गए तो क्या होगा? तो फिर 10 बार डेट पर चलेंगे हम। अरे मुझे जाने दो यार, तुम इतने ताकतवर क्यों हो? छोड़, क्या तुम जिम वगैरह करते हो? हाँ, मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है तू साले। मैं तुम्हारी ताकत ले लूंगा और तुम जिंदा लाश बन के रह जाओगे। अरे नहीं, क्रिस ने मुझे भूल भुलैया का नक्शा दिया था और मैंने इसे गीला कर दिया। क्या, तुम क्या कर रहे हो? कैसी भागो, नेट ने मुझे फंसाया है, वो मेरी पावर चाहता है। ज्यादा हिल मत साले, फायर पावर अब मेरी होने वाली है। नहीं, उसे मत छुओ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड? वाओ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। क्रिस मुझे जीतने में मदद करना चाहता था, उसने मुझे बताया मुझे कहाँ जाना था। अच्छा, मैं टाइम पर आ गई। कैसी, वो खतरनाक है, दूर हटो। वो सिर्फ एक कमजोर बदमाश है, ये लो। मैं वापस आऊंगा। जैक, मैं दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ, चलो ब्रेक लेते हैं। वाह, हमें चलते रहना होगा, केसी और क्रिस भी कप की तरफ आ रहे होंगे। अरे यार, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जैक, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार हो? जैक, क्या हम कप के बारे में नहीं भूल सकते? हमें इसकी जरूरत भी क्यों है? मैं जीतना और फेमस होना चाहती थी, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बैठकर ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तो बस अमीर होना चाहता था, ज्यादा पैसा कमाना चाहता था मैं। लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो, सारे पैसे तुम्हारे सामने कम है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमने इस बेंच पर पूरा नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। एक मिनट, मैं तो कुछ भूल ही गया। अब सही है। वाह, बढ़िया। ठीक है, हमें चलते रहना होगा, शायद हमारे पास अभी भी कब ढूंढने का मौका है। ईवा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, आओ चले। ये मेरी गलती है, मैं उस बेवकूफ की बातों में आ गया। क्रिस, शांत हो जाओ, हम यहाँ से निकल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि वो मेरा दोस्त है और तुम यहाँ मेरी वजह से हो। तुम जीत सकती थी और अब हम यहाँ पर एक साथ हैं, और कब जाए क्या ये बात को मिलेगा? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया बेवकूफ नेट की वजह से। यार मैं कितना बेवकूफ हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मेरी मदद करना चाहते थे और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ हूँ। मैं न आती तो वो तुम्हारी पावर ले लेता। नहीं कैसी, मैं तुम्हें खतरे में डाल दिया है, मेरे पास मत आना, मैं खतरनाक हूँ। तुमने मुझे दूर तक खेलने की हिम्मत की, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। किसी, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ हम यहाँ से निकल जाए, मुझे तो डर लग रहा है हम कहीं खो ना जाए। हार मत मानो, हम कब ढूंढ लेंगे। जैक, देखो कब हमें मिल गया। भागो और जाकर कप ले लो तुम। नहीं, हमें ये एक साथ करना है। कैसे, कप तो हम में से कोई एक ही ले सकता है और तुम इसे डिजर्व करती हो। आओ हाथ पकड़ो और इसे एक साथ छुओ। तुम कितनी स्मार्ट हो ईवा, चलो चलते हैं हम। जल्दी करो, इसे पकड़ो। ओह,
लिया। प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है और हमें हमारे विजेता मिल चुके हैं। हमारे विजेता है जैक और ईवा। ये हम जीत गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम इस प्रतियोगिता को जीत चुके हैं। अब मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आखिरकार हम दोनों साथ हैं। तुम कम से कम मुझे फूल तो दे सकते हो। ठीक है जानेवन, ये तुम्हारे लिए। ये ये केसी और क्रिस आखिर है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। शानदार है, केसी और क्रिस किस कर रहे हैं। ओ, ये तो अजीब है। अरे नहीं, क्या वो जीत गए। अरे इसकी परवाह किसे पड़ी है। हाँ लगता है जैसे हम सब अपने तरीके से जीते हैं। मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा। मुझे माफ कर दो जक। और वैसे भी मैंने और ईवा ने प्राइज मनी को सबके साथ बांटने का फैसला किया है। क्या ये तुम्हारी जीत है यार, तुमने ईमानदारी से जीता इसे। नहीं कोई बहाना नहीं, अगर तुम और क्रिस नहीं होते तो हम किसी भी चुनौती को पार नहीं कर पाते। ये तुम्हारे लिए। अरे थैंक यू यार, तुम पर शक करने के लिए मुझे माफ कर देना। ईवा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मेरी हो। तो फिर चलो इसी बात पर पार्टी हो जाए। केसी क्या तुम मुझे सुन सकती हो। बेवकूफ, तुम्हें परवाह नहीं, तुम्हें कॉन्टेस्ट से बाहर किया जा सकता है। हेलो क्या तुम यहाँ हो। सॉरी। मैं भी भूल गया, मैं उनसे बात भी नहीं करती। ओप्स। हाँ सही कहा तुमने, रुक जाओ कुछ भूल गया। पीछे कुछ तो आएगा देखो। इतनी बकवास एक्टिंग के लिए माफी चाहूंगा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। केसी मुझे माफ कर देना। वाह मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कर पाए तो माफ कर देना, मैं इस चुनौती में हिस्सा नहीं ले सकता। अरे ओवर एक्टिंग लग रहा है।